अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ज़ुबैर खान का भी साथ मत दो, सलमान खान का भी साथ मत दो। सच्चाई जानने की कोशिश करो कि ज़ुबैर खान ने एक स्टैंड लिया, सलमान खान को उसके माई बाप लोगों का फ़ोन आया होगा, उस डर गया होगा। तो भैया तू खाता यहाँ आपकी है, गाता कहीं और की है। दूसरी बात ये, एंडेमॉल वालों ने, कलर्स चैनल ने, बिग बॉस टीम, सलमान खान ने मेरे नाम को बदनाम किया। व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा बेदिकल खैर इन काला कुल्ल शैन कदीर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, हुसैनी बनो, हुसैनी बनो, हुसैनी रास्ते पर चलो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनु का क्या था? सब्र और तवक्कल। सब्र पे चल रहा हूँ, तवक्कल पे चल रहा हूँ। 40 से ज़्यादा धमकियाँ जान से मारने की, शूटर लोग वेट कर रहे, उसके बाद में भी अकेला घूम रहा हूँ। अल्लाह तवक्कल, ज़िंदगी मौत का देने वाला अल्लाह है। जो भी मेरा सपोर्ट कर रहा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसका अजर अल्लाह देगा, ऊपर वाला देगा, भगवान देगा, वाहिगुरु देगा। जस्ट बिकॉज कोई स्टार है तो आप उसके साथ में खड़े हो, पहले उसकी अच्छाई तो जानो, उसकी बुराई तो जानो। दिखावे का बीइंग ह्यूमन है, अगर उसमें इंसानियत होती कि एक डिप्रेशन के पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है। शिवानी दुर्गा जो एविक्ट होके आई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ज़ुबैर के साथ गलत हुआ, ज़ुबैर ने एक दो दिन गाली दी। जो इंसान 200 गालियां देता हो, अपने आप को दो दिन में कंट्रोल करके एक भी गाली नहीं देती हो। चैनल ने वो चलाया, गाली क्यों दी वो भी तो चलाओ, इसलिए लड़ रहा हूँ। क्यों नहीं चला सकते कि सारे मुया भाई चैनल में एंडेवॉल में घुस जाएंगे, सारा साधु समाज अंदर घुस जाएगा, इनको मारेगा पकड़ के। गे कम्युनिटी का मजाक उड़ाया गया, खाने में थूका गया, पूरा हिंदुस्तान मारेगा, इस शो को बंद करवा देगा। तो पैसों के लिए ज़ुबैर खान नहीं गया था, बच्चों के लिए गया था। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए गया तो ऐसा सब क्यों किया, भैया मैं बेचारा दिखाना नहीं चाहता, मैं बेचारा नहीं हूँ, ना था, ना हूँ, ना मरते दम तक रहूँगा। जैसा ज़ुबैर खान स्टैंड लेता है, शिवानी दुर्गा जी ने कहा कि ज़ुबैर हमेशा मेरे साथ रहता था, जब भी कोई तकलीफ में होता, जिसको ज़रूरत होती थी, ज़ुबैर खान उसके साथ खड़ा होता था। तो ज़ुबैर खान जिस तरह बाहर की दुनिया में है, अंदर की भी दुनिया में। और दूसरी बात ये कि जो लोग मुझे पार्कर फैमिली से रिलेटेड, भाई ये चैनल पे केस कर रहा हूँ ना, मैं ये एंडेमॉल वालों पे केस कर रहा हूँ। ये लोगों ने मुझे 24 तारीख के बाद में क्या चला है मुझे नहीं पता, और मेरे पास आने के बाद में भी बिग बॉस घर से वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी धमकियाँ, इतने लीगल प्रोसीजर, वकील, क्राइम ब्रांच, पुलिस। आप एक बात बताओ कि अगर कोई किसी को सुसाइड करने पर उकसाता है, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? जस्ट बिकॉज ही स्टार। तो आपको स्टार का साथ देना है कि सच्चे का साथ देना है? मैं ये नहीं बोल रहा ज़ुबैर खान का साथ दो, मैं ये कह रहा हूँ सच्चे का साथ दो, सच्चाई का साथ दो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश का नमक खाते हैं, हमको इसकी वफादारी करनी है। एक ज़ुबैर खान मुसलमान होते हुए, शिवानी दुर्गा जी जो कि धर्म से हिंदू है, सनातन धर्म की है, साध्वी है, सन्यासन है, उनका स्टैंड लिया, उनके साथ खड़ा रहा, क्योंकि उनके बनाए हुए खाने में अर्शी खान ने, जो कि मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, औरत जात पर धब्बा है, मैं आज भी उस स्टैंड पे कायम हूँ। तो अर्शी खान ने जो हिना खान को कहा कि तू ज़ुबैर खान की रखेल है, फलाना है, ढिमका, बहुत सारी माँ बहन की गालियाँ दी, तो वो चैनल को नहीं दिखा, सलमान खान को वो नहीं दिखा। पिछले हफ्ते सलमान खान किसी भाई के प्रेशर में थे, ये हफ्ते तो उससे ज़्यादा गंदगी मचाई गई। ज़ुबैर ने दो दिन जो किया वो चैनल में चला, ज़ुबैर को बदनाम करने और जलील करने बोला गया। किस फैमिली ने किया ये सब, आप मीडिया देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, आप खुद जज मत बनो। जज जो है ना, कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। बार बार सलमान खान बचेगा नहीं, गाड़ी से लोगों को मार के, हिरन को मार के, सारे बिश्नोई समाज को कहूँगा कि मेरा साथ दे, सारे हिंदुस्तानियों से कहूँगा मेरा साथ दे। मैं कोई अटेंशन सीकर नहीं हूँ, मैं बहुत लो प्रोफाइल इंसान हूँ। ये अब्दुल्ला माही जो है ना, ये मुझे 12-15 साल से जानता है, इसको पूछो। मेरी फिल्म लकीर का फ़कीर बनाने के बाद में भी मैंने किसी को जाके बकेती की कि मैं लकीर का फ़कीर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। आज मेरी फिल्म का क्रेडिट कोई और ले रहा है, कोई और बज रहा है, मुझे माँ बहन की गाली व्हाट्सएप पे दी जा रही है, उस बंदे को पता नहीं है कि मेरा फ़ोन टैपिंग पे है, मुझे जो धमकियाँ आ रही है, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, ATS, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, इस मुद्दे के ऊपर जाँच कर रही है।
मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। कोई मेरे साथ आए या ना आए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ अल्लाह है, उसके रसूल की दुआ है, तमाम सरकारों का करम है। मैं गरीब नवाज के दर का कुत्ता हूँ, भिखारी हूँ, आपको जो बोलना है बोलो। मैंने अपना स्टैंड लिया कि मैंने हुसैनी रास्ते पे चला हूँ, ये मुहर्रम का महीना है और मैं हुसैनी रास्ते पर हूँ, सब्र और तवक्कल के साथ चल रहा हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सलमान खान, एंडेमॉल, कलर्स टीम और जो भी आए भाई ढाई लोग फोन कर रहे हैं, उन सब से ये बोलूंगा, अल्लाह तवक्कल, तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। मैं कोई दिखावे की नमाज, हज, उमरा ये सब नहीं करता, ये मेरा मामला अल्लाह के साथ में है। लेकिन बंदों के साथ गलत हो रहा है, अगर कोई हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो वो सच्चा मुसलमान। मैं मेरी एक बात मैं रखता हूँ मिसाल के तौर पे, कल को हश्र के मैदान में अल्लाह ने मुझसे पूछा, जुबैर तेरे सारे गुनाह माफ, तुझे मैं जन्नत देता हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे कि मेरे कुरान कलाम की बेहुमती गालियों में एक लड़की इस्तेमाल कर रही थी शो में, तो तू वहां फेम पाने गया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? अल्लाह ने अगर ये सवाल मुझसे रखा हश्र के मैदान में हिसाब किताब के वक्त कि एक साधु समाज का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको गाली दी जा रही थी, उनके खाने में बनाए हुए खाने में दो मरतबा थूका जा रहा था, तुम चुप क्यों रहे? तो मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं है। कोई आए भाई ढाई जितनी कंपनी वाले फोन करे, मैं तो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ भाई, अपन तो ठसते नहीं, ठसते नहीं। जो भी मेरे को व्हाट्सएप पे जो फैन जिनके हैं ना, वो लोग ये बात को समझो कि भाई कौन पब्लिसिटी सीकर है और एक बंदा फिल्म बनाकर लो प्रोफाइल रहता है, चुपचाप रहता है और लोनर किस्म का इंसान है, अकेले में अल्लाह से लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता बहुत अल्लाह, मैं आप सबको बोलता हूँ कि इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान जुबैर खान है, इस दुनिया का सबसे जलील इंसान जुबैर खान है, इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान जुबैर खान है। जुबैर खान ने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, जो दिखता है वो होता नहीं है। बीइंग ह्यूमन पैसों का मिसयूज कर रहा है, जाकिर नायक भी मुसलमानों के पैसों का, जकात फितरे का मिसयूज कर रहा था, उसके लिए स्टैंड लिया, करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया से मुझे गाली दी, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई, इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? अगर सच्चा होता तो सामने आता, मैं अकेले घूम रहा हूँ, मैं कोई पब्लिसिटी लेने नहीं गया, मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए गया था, हंस रहा था, हंसा रहा था, तो लोगों को लगता है कि बेचारा बन के रहूं। एक जो है ना हमारा एक घटिया सा दोस्त, वो बोल रहा है, अरे यार जाने से पहले बोल देता, कैसा गेम खेलने का, अरे इमोशनल करने का था ये कर। भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, ना मुझे बनना है, मुझे ना बनना है एक्टर, मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अल्लाह रसूल को और जो मेरी माँ ने और जो मैंने बचपन से अच्छी चीज़ें सीखी है उसको भूल जाऊँ। भाई सच का साथ दो, जुबैर खान का साथ मत दो, अपनी माँ बाप की दुआ लो। अल्लाह की कसम मैंने बहुत तकलीफ़ों से यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक चाइल्ड लेबर 4.5 साल की उम्र में ब्लाउज पे, एक जो है ना बम्बई में साउथ मुंबई में निशाद थिएटर है पहला निलानी साहब का, वहाँ पर मैं पेप्सी बेचता था 1988 में, जुबैर खान पेप्सी बेचता था और उसका कैसा बेचने का अंदाज होता था, ए पेप्सी ठंडा मीठा बोले, ए पेप्सी ठंडा मीठा बोले। तो सलमान खान जुबैर खान की आज भी वही औकात है कि पेप्सी ठंडा मीठा बोले। आप हो गए स्टार, आपको आपका स्टारडम मुबारक हो, लेकिन मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे यूज किया, तो मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूँ कि कोई भी एरा गेरा आएगा अपनी नाक छिनकेगा और जुबैर को कचरे के डब्बे में डालेगा। तुमने जिन जिन एक्टर्स को गाली दी है वो आपके तलवे चाट रहे, जुबैर खान नहीं चाटेगा। जुबैर अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा तवक्कल रखने वाला है और उसकी बातों पर अमल करने वाला है। हर एक सच्चा मुसलमान जो इस देश से पार करता होगा ना, वो हर हिंदू का सपोर्ट करेगा, हर मजहब की इज्जत करेगा। मैंने वो ही दिखाया, चैनल वो क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि चैनल बंद हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बंद करवा देगी चैनल को। आप लोग को लगता है हजारों करोड़ की कंपनी, हजारों करोड़ का सलमान खान, उसके खिलाफ अकेला जुबैर खान आवाज उठा रहा है? पागल हूं, मेंटल हूं? जाकिर नायक के खिलाफ भी आवाज उठाए ना हजारों करोड़ का आदमी, क्यों आवाज उठाया था? गलत कर रहा है तो आवाज उठाऊंगा, दैट इज माई जॉब। हम जब जर्नलिज्म करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो हमको बताया जाता था
आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है। आप लोगों को जितनी गालियां देनी है दीजिए, आप लोगों को जितना मुझे तपाना है तपाइए। नहीं नहीं भाई, फिलहाल मेरे फ्रेंड लिस्ट पे तो सब माशाल्लाह प्रोफेशनल है। कोई सपोर्ट करो ना अभी, और राहुल, मिस्टर राहुल रॉय सर ऑनलाइन है जो कि बिग बॉस, राहुल रॉय भाई हाँ फर्स्ट के विनर है। आप बिग बॉस 1 के विनर हो, आपने कितना अच्छा गेम खेला था, तब जाके जनता ने आपको ये किया। मैं वोट आउट नहीं हुआ, फिर बोल रहा हूँ, मैं सलमान खान की बेइज्जती सहन नहीं कर पाया क्योंकि आमिर खान के पीए मैं जो है ना इज्जतदार इंसान हूँ, जो इंसान